हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 11। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसको हल करते हैं, जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। A बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ प्रथम पद 3, इसके बाद डी बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरा में पहला पद को घटाते हैं, 15 - 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 12। इसके बाद क्या बोल रहा है, 54वें पद, ए 54, तो कैसे निकालेंगे इसको, ए प्लस 54 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 53D। तो इसमें मान रखते हैं, ए का मान कितना है, 3 + 53 गुना डी का मान कितना है, 12, 3 + यहाँ पे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 636, फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 639। अब प्रश्न से चलेंगे, AN बराबर इसको लिखेंगे पहले 639, इसके बाद कितना अधिक बोल रहा है, 54वें पद से 132 अधिक, तो यहाँ जोड़ देंगे 132, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 771। अब AN का फॉर्मूला लगा के आगे हल करते हैं, चूँकि AN बराबर A प्लस n - 1 × d, an का मान कितना है, 771, a का मान कितना निकाले हैं हम, 3 + n का मान नहीं मालूम, -1, d का मान कितना निकाले हैं, 12। इसके बाद 3 को इधर लेफ्ट साइड टपाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 बराबर n - 1 गुना 12, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 768 बराबर n - 1 × 12, 12 इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग, 768/12 n - 1, 12 से कई बार में कटेगा, 64 बार में, तो इधर 64 हो जाएगा बराबर n - 1, ये -1 को इधर लेफ्ट साइड टपाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 + 1 बराबर n, तो इसको सीधा करके लिखेंगे, n बराबर 65, यही आंसर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।